पाहुणे माणसं गावात बोलून मध्ये बसवत आहे. वाड्यावर पण झालं पाहिजे बर. राईट बोलला बाई. काही जरी झालं तरी चालत पण आज वाड्यावर यायचं बर का. काम झालं पण काम झालं. पूर्ण बोला असं ना. पूर्ण बोलले मेरे मत का नवाशा देख ले. अब मुझे लगता है क्या तू भाग भा रहेगी आखिर भा रहेगी. फिर इधर लटक करूंगा फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतरेगा. चर्चा करते घर चले आऊंगे खाना खाऊंगे सो जाऊंगे. तुम्हारी ये नामर्दान की या बोलते नहीं. एक दिन देश देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी देखेगी. कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें कुछ नहीं. तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. पहले राजा महाराजों की गुलामी की फिर अंग्रेजों की अब चबदमदार नेताओं की और गुंडों की. धर्म के नाम पिए तुम एक दूसरे में बैठाते हैं. तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो. काटो काटो. ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी. सोचता होगा मैंने कितनी खूबसूरत चीज बनाई थी. इंसान इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए. कीड़े आए हो गए खेल खत्म. क्यों जी मालूम नहीं क्यों मरे मालूम नहीं. कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी. कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी. कौन समझा उसकी बात को. सबके सब साले जिंदा लाशे किसी जगह थी. मैं जा गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ. सुकून है लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी. ये वर्दी वाले कानून वाले नेता इन्होंने अपना ईमान बेच दिया. एक दूसरे को जगह देखो तुम्हारा ईमान कहाँ गया था बाहर में. आने वाले कल में अपने आपको दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा. लेकिन एक बात भूल रहा है. इनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस किया पाए. खाली अपने खुद के घर में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देख सकते हैं. वो सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है मुर्दों का देश है. वतन के लिए किसी से कोई हमदर्द नहीं. इज्जत होना बिल्कुल आसान है. मैं हिंदू मैं मुसलमान मैं सिख मैं फलाना मैं ढिमका. अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के बारे को तोड़ना मुश्किल होता है. मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरे में. क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से. क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से. हंसो हंसो क्रांति के नाम पर एक और कुत्ते की मौत मर जाए कल कोई और मरेगा है ना. अब तो इसी तरह जिएंगे है ना. जो भाई जो जैसे जाए वैसे. मैं ही तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहता है ना. चल चल.